हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं फराज देशमुख और आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। आज हम लोग फाउंडेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमारा लेसन टू पे जाएंगे। हमारा लेसन टू है लॉ ऑफ इंडाइसेस। बहुत ही बेसिक है, 6-7 में होता शायद, लेकिन हमारे को फाउंडेशन में ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11th 12th हमारा जो भी आगे की पढ़ाई उसमें ये सब तो लगने ही वाला है। तो एक बार एक फटाफट हम लोग रिविजन कर लेंगे इसका। तो ये जो ए है, पहले तो बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो ऊपर के पावर ऐड हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड होते हैं, और डिवीजन में है तो जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो नीचे वाला है वो माइनस में आ गया, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा है ए रेस टू पावर एम होल ब्रैकेट एन लिखा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं एम इंटू एन। और अगर अकेला मान लो ऊपर कुछ नहीं है और नीचे ए रेस्ट पावर एन है, तो ये ए रेस्ट पावर माइनस एन के इक्वल होता है। और अगर ए बाय बी के ऊपर ओवरऑल ब्रैकेट पावर एम है, तो ये पावर एम दोनों में बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये रूट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर रूट ऑफ समथिंग एन लिखा है तो इसका मीनिंग होगा एंथ रूट, मतलब ए रेस्ट पावर 1/n। जनरली आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि रूट 2 लिखा रहता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर कुछ भी लिखा है ना तो इतना मान लेते 2 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रेस्ट पावर 1/2। लेकिन मान लो कि अगर √3 लिखा है और इधर भी 3 लिखा है, तो 3 नीचे है और ये क्या हो जाएगा, n की जगह 3 आ गया, 3 रेस्ट पावर 1/3 हो जाएगा। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और लास्ट वाला ए रेस टू पावर एम और रूट के अंदर एन लिखा है, देखो रूट के बाहर एन लिखा है, तो ये एन जो है बाहर वाला डिवीजन में जाता है। देखो इधर डिवीजन में गया था, तो ये पावर एम के डिवीजन में चलेगा। अगर हम इसका रूट देखें, सफ़र देखें, तो ऐसा हुआ कि पहले इसने अपने रूट ने अपना काम बताया, ऐसा कर दिया, फिर एम इंटू 1/n इस एम बाई एन, तो इस तरह से हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से हम जो समझते ये कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहली बात है ना, कुछ चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेंगी, बहुत यूज़फुल है, इतनी बातें तो याद रखना पड़ेगी। मतलब 2 रेस्ट पावर 0 से लेकर 2 रेस्ट पावर 10 तक की वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ेगी। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, इधर मैंने मेंशन नहीं किया, अभी कर लेता हूँ। ए रेस्ट टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो 2 रेस्ट पावर 0 इज 1, 3 रेस्ट पावर 0 इज 1, 5 रेस्ट पावर 0 इज 1, 7 रेस्ट पावर 0 इज 1। लेकिन फिर उसके बाद 2 रेस्ट पावर 1 इज 2 एंड 2 रेस्ट पावर 2 इज 4। ये जो आप पॉज करके इसको पूरा कॉपी करके इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहेगा, कोई भी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतनी बातें तो याद होना चाहिए। 2 का पावर 10 तक याद होना चाहिए नियरली, 3 का पावर 5 तक याद रखे तो अच्छी बात है, 5 का पावर 4 तक और 7 का पावर 3 तक, तो ये वैल्यूज याद होना चाहिए, जैसे तुम लोग टेबल याद करते हो। और ये चीज़ देखो, लर्न बैठ के लर्न करने से तो होती नहीं है, ये प्रैक्टिस से होंगी, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी तुमको वैल्यूज लर्न होंगी। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं इनको अप्लाई कैसे करना। तो देखो 25 √5, सबसे पहला काम ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ में एक खास बात है कि सबका बेस सेम है। इसका बेस 5 है और इसका 25 है, तो पहला काम क्या करेंगे हम, इसका बेस सेम बनाएंगे और उसको 5² लिख देंगे। और रूट ऑफ 5 अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, 5 रेस्ट पावर 1/2, तो दिस विल बी इक्वल टू 5² × 5 रेस्ट पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेस्ट पावर 2 + 1/2। कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली, बेस सेम है, ऊपर की चीज ऐड हो जाएंगे, क्लियर। फिर ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये 2 इधर मल्टीप्लाई आके 4 + 1/2, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 5 रेस्ट पावर 5/2। इस तरह सॉल्व करना है। अभी देखो 3√3, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 का पावर 1 है, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/2 हो गया। अब बेस सेम हो गया, 3 रेस्ट पावर 1 + 1/2, तो ये जाएगा 3 रेस्ट पावर 3/2। अच्छा, मैं एक एडवाइस करूँगा कि 3√3 ना तुम देख के ओरली आंसर देना चाहिए, 3 रेस्ट पावर 3/2। जैसे कि मैं अगर लिखूँ √a, तुम लोग ओरली बोल देना चाहिए, सर a√3/2 ये, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 1 + 1/2 3/2। अगर मैं बोलूँ 2√2, तुम लोग डायरेक्ट बोल देना चाहिए, सर इसका तो 2 रेस्ट पावर 3/2 है, इसमें क्या है। मेथड तो ये प्रॉपर, लेकिन ऐसे फॉलो होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये देख लेते, देखो रूट के अंदर रूट है, तो दिखने में बड़ा खौफनाक है लेकिन बड़ा आसान है। देखो पहले तुमने इस रूट को देखें, तो इस रूट की वजह से क्या होगा, पावर 1/2 आएगा, फिर क्या होगा, ये 5 अंदर रह गया वैसे के वैसे,
और फिर तुमने इस रूट को देखे तो इसका पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, 5 रेस्ट पावर 1 बाई 2। तो ओवरऑल 1/2 इधर है, ये क्या हो जाएगा, 5 रेस्ट पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, बेस सेम बना दिए, बेस सेम है। अब 5 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, 2 इधर क्या, 2 प्लस 1 3/2, और यहाँ पर क्या है, 1/2 है, विच विल बी इक्वल टू 5 रेस्ट पावर 3/4, क्योंकि 3/2 × 1/2 = 3/4। तो इस तरह से इसका आंसर है 5 रेस्ट पावर 3/4 आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो इधर तीन रूट हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर तीन रूट हैं। तो देखो ये तीन रूट को देख के डरने का नहीं, हम लोग को जो पता है वो रूट का मतलब क्या हुआ, पावर क्या आएगा, 1/2। तो देखो बड़ा जो रूट है इसका पावर क्या आ जाएगा, 1/2, ये पूरे रूट का पावर, होल पावर 1/2, और अंदर क्या है, 2 है। अब ये जो छोटा रूट है इसका पावर क्या आएगा, 1/2, फिर क्या है, 2 है, फिर उसके अंदर एक और रूट है उसका पावर क्या आएगा, 1/2, क्योंकि वो रूट 2 पे अकेले पे, तो सिर्फ 2 पे आएगा, ये पूरे पे रूट था तो पूरे पे 1/2 आया, और ये तो टोटल रूट था इससे सबका पावर 1/2 आया। तो देखो अभी सबसे पहले तो ये दोनों के बीच में कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन है, इनका बेस सेम हो गया तो ये लोग ऐड हो जाएंगे, राइट। तो देखो 2 है और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, और ये 1/2 बाहर है, और ये 1/2 और बाहर है। मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में ना, 1 प्लस 1/2 नहीं करता हूँ, उसको वैसे ही रहने देता हूँ। तो देखो क्या होगा, इसको ऊपर लिखते, 2 बाहर रखा, 2 रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1/4 हो गया, 1/2 जैसे मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 1/2 1/4, और होल पावर 1/2 रहने देता हूँ, इनको मैं कैलकुलेट नहीं करता, ऐसे रखता हूँ, लास्ट में करेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर, अभी देखो इनके बीच में कुछ नहीं, सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो बेस सेम है, पावर वापस एंड हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और बाहर क्या है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या होगा, 2 रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 1/2 × 1 1/2 × 1/2, नीचे का 2 × 2 हो गया, नीचे का 2 × 4 हो गया। देखो पैटर्न देखो, इसका आंसर फाइनली आया। अब तुम्हें को लगता है इसको तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसका एलसीएम नीचे 8 आएगा और ऊपर 2 4 2 1, उस तरह से आंसर आ जाएगा, मतलब इसके बाद का कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, आई होप सो, कि एलसीएम 8 आया, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फाइनल आंसर आएगा 2 रेस्ट पावर 7/8। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ तुम लोग को कि ये रूट के अंदर तीन रूट थे, तो आंसर क्या आया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। मान लो अगर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 5 के अंदर हम वो 2 मिल लेते, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी एक फटाफट कर लेंगे, तुमने पहले इसका रूट देखे बड़े वाले का 1/2 लिख दिए, फिर इसका लिखे 1/2 लिख दिए, राइट। अब पावर 1 है तो अंदर क्या होगा, 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1/2, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, जैसे ये लास्ट में छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़े थे, तो क्या आया, 2 रेस्ट पावर 1/2 × 1 1/2 1/2 × 1/2 1/4। तो देखो दो रूट है 2 का पावर में, तो ऊपर क्या है, 1/2 प्लस 1/4 आया। यहाँ पर क्या था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है ना, कि रूट के अंदर रूट तीन रूट थे, तो हमारा फाइनल आंसर घूम फिर क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसमें क्या है, 1/4 1/2 प्लस 1/4। तुम पैटर्न समझ रहे हो, अगर अकेला रूट होता तो सिर्फ एक 1/2 आता, दो रूट के अंदर रूट है तो 1/2 प्लस 1/4 आया, रूट के अंदर रूट है तो क्या है, 1/2 प्लस 1/4 1/8 आया। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ 5 रूट 5 रूट 5 रूट, तो अब तुम थोड़ा लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के मैं उसका आंसर बता सकते हो क्या। देखो पहले तो बेस चेंज कर दिया मैंने, तो 5 के पावर में समाएगा, अब तक का क्वेश्चन 2 था, और कितने रूट, 4 रूट के अंदर रूट, तो पहला आएगा 1/2, फिर क्या आएगा, 1/4, देखो क्योंकि 2 में 1/4 तक आया, 3 में 1/8 तक गया, और 4 में 1/16 तक जाएंगे। अब तुम्हें को तुम्हारा लगता है कि तुम इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर ये इन्फिनिट रूट भी लगाए तो भी इसका आंसर आ जाता है। अभी एक और टाइप के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये होते हैं, अभी देखें, हमको लग रहा है यार ये कभी नहीं होने वाला है,
इसका रूट 3 + 2√2 बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर है ना तुम मन की आंखों से देखोगे तो जो 3 है, 3 इज नथिंग बट, ये सोचने वाला काम है, 3 इज रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 2√2। देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 + 1 = 3 हुआ। तो ये है बेसिकली, ये चीज़ ये है। अगर ये तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको ये सोचना पड़ेगा इतना बड़ा रूट है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ज़रूर अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा और वो रूट हट रहा होगा, ये तुमको सोचना है। तो देखो होगा क्या, इसको तुम क्या लिखोगे, √2 + 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और कुछ नहीं है, 1 तो रहता ही, 2ab, तो इज इक्वेलेंट टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हटा, तो इसका आंसर क्या है, √2 + 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लूं, मान लो इधर मैं लिख देता हूँ 2√3 और यहाँ लिख देता हूँ 4, इसका आंसर बताओ बोलो, तो आपको सोचना कैसा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन होना है तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनना पड़ेगा। तो 2ab, बी की जगह 1 होगा, और शायद ए रूट 3 को शायद हर बार होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, लेकिन ए रूट 3 है वैसे, क्योंकि हमको मालूम है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 होता है। देखो ध्यान से देखो, देखो ए 2ab, बी की जगह 1 ले मान लिया, तो ए ज़रूर ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ बन रहा है। तो फाइनल से क्या रहेगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू √3 + 1। तो मैंने आप मेन तो मैंने ये ऐसे क्वेश्चन सोचने का ट्रिक दे दिया। मान लो अगर इधर क्वेश्चन में 1/3 होता या 1/2 था तो मैंने होल स्क्वायर बनाया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इधर 1/3 दिखेगा तो तुमको दिमाग लगा के उसको होल क्यूब वाले फॉर्मूले में लाना पड़ेगा ताकि वो 3/3 कैंसिल हो जाए। ये स्क्वायर में स्क्वायर वाले फॉर्मूले लेके आया था अपन, तो फोर्थ वाले में अपन 2√2 + 2√2 नहीं ले सकते फोर्थ क्वेश्चन में। हाँ। अच्छा तुम्हारा मीनिंग क्या है कि मैं √2 square + √2 square करके नहीं कर सकता हूँ क्या? ये देखो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए और बी तुम्हारा क्या है √2√2, तो यार 2√2√2 आना चाहिए था, 2ab, तो तुमको है ना √3 जो इधर ए या बी ए है वो लेके आना पड़ेगा ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये मेथड सही नहीं रहेगा, तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ाते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई और नीट फाउंडेशन एज वेल एज फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और कमेंट्स में लिखिए कि हम आप और कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना चाहते हो। थैंक यू।